गुड मॉर्निंग मामी। गुड मॉर्निंग डियर। मामी ये मेरे सर के ऊपर क्या लिखा है? क्या लिखा है डियर? सोलमेट्स प्रोफेशन। ओह डियर ये सोलमेट्स प्रोफेशन है, इसमें तुम्हारे सोलमेट क्या करते वो देख सकते हो तुम। क्या सच में? तो फिर ये दिखा क्यों नहीं रही है? डियर जब तुम 18 साल की हो जाओगे तब तुम देख पाओगी। तो तुम्हें अपनी सोलमेट की प्रोफेशन के बारे में क्या ख्याल है? मैं चाहती हूँ कि वो एक शेफ हो। क्यों? क्योंकि इससे मुझे कुकिंग सीखनी नहीं पड़ेगी। अगर वो शेफ हुआ तो मैं उसके बनाया हुआ कुकिंग खाऊंगी और इससे आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। वैसे हो तो तुम बड़ी झलक, देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। प्लीज प्लीज शेफ देना, मेरी दिल मत तोड़ना, मैं इसके लिए 6 साल से वेट कर रही हूँ। प्लीज व्हाट द फक, ये शो क्यों नहीं हो रही है? मम्मी ने तो बोला था ये 8 साल में शो होगा, फिर ऐसा क्यों? मॉम मॉम क्या हुआ डियर? मॉम मैं आज 18 साल की हो चुकी तो फिर ये शो क्यों नहीं हो रही है? कब से लोड ही हो जा रही है? मॉम मेरी सोलमेट की प्रोफेशन अच्छा तो होगा ना, कुछ खराब तो नहीं होगा ना? क्या बोल रहे हो? हाँ ये तेरे लोड हो रहा है तो इसके ये मतलब थोड़ी कि तुम्हारे सोलमेट का प्रोफेशन खराब होगा। ये सिर्फ एक सर्वर डाउन है, डोंट वरी। क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ, जल्दी करो कॉलेज के लिए तुम फिर से लेट हो जाओगी। ओह शिट गाइस, तुम लोगों को पता है मेरी सोलमेट एक यूट्यूबर है, मेरी सोलमेट एक डांसर है, मेरा डॉक्टर, मेरी पायलट, मेरा फोटोग्राफर, मेरी डिजाइनर और मेरी टीचर। ओह वाओ गाइस, तुम लोगों को कितनी अच्छी मिली। क्यों तुझे अच्छी नहीं मिली क्या? तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे भी अच्छी मिलेगी और तुम लोगों से बेटर मिलेगी देखना। कब मिलेगी? जब हमारा शादी हो जाएगा तब। आज मुझे सिर्फ इसके वजह से इतना इंसल्ट होना पड़ा, अगर ये टाइम पे शो हो जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, इनको तो मोहरत के शो होना है ना। इसे बाहर फेंक, इसके सोलमेट एक मर्डरर है। हाँ हाँ, हम इस मर्डरर के साथ इस क्लास में नहीं बैठ सकते। तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, इसमें इसकी क्या गलती है? अगर उसकी सोलमेट मर्डरर है तो ये तो नहीं है ना। तो फिर भी हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। चल चल बाहर चल। अगर मेरी सोलमेट भी ऐसा ही कुछ हुआ तो मैं तो और मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। नहीं नहीं सोच, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। चोर चोर कौन? राधिका तू, और तू किसे चोर बोल रही है? मैं तुझे चोर देख रही हूँ। सॉरी तूने मेरी ड्रेस कॉपी किया है। ओह रियली? मैं तुझे बता देती हूँ कि ये ड्रेस मैंने अर्बेनिक से खरीदा है और इसकी प्राइस कितना है पता है? 1000 है। व्हाट 1000? होश उड़ गई, बड़ी यही मुझे चोर बोलने वाली। हे बेब। ओह हे क्लॉप, तुमने अपनी सोलमेट का प्रोफेशन देखी? हाँ नहीं वो मैं वैसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपना सोलमेट मानता हूँ, लेकिन तुम तक चीटर हो। बाय। हे बेब सुनो, तो मैं अपनी सोलमेट की प्रोफेशन नहीं देख पाई, एक्चुअली ये सर्वर डाउन है। क्या सच में? हाँ मुझे पता था तुम कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। टीना कैसी है तू? ठीक हूँ, एक बात बोलो सो। हाँ बोल। सो तूने ये रिलेशन यहीं पे एंड कर दे। मतलब? और तू अचानक से ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि मुझे क्लब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, तुझे पता है मैंने उसके हाथों में कट्स के निशान देखे हैं। कट के निशान? हाँ उसने बोला था उसे चोट लगी थी। नहीं ऐसा वैसा कट नहीं था, जो भी उसे एक बार देखेगा उसे डर लगने पर मजबूर कर देगा। ओके तू ना जितना हो सके उसे दूर रह, क्योंकि मुझे लगता है क्लॉब एक साइको है। व्हाट टीना आर यू मैड? तुझे पता भी है तू क्या बोले जा रही है? तू एक नॉर्मल इंसान को साइको बोल रही है। देख मुझे लगता है तुझे हमारे रिलेशनशिप से दूर हो जाना चाहिए। असल में तो जेला से मुझे क्लॉब जैसा बॉयफ्रेंड जो मिला है। मैं जेला से नहीं, मैं तुझे अलग करना चाहती हूं। जस्ट गेट लॉस्ट, और दोबारा मुझे अपनी ये शक्ल कभी मत दिखाना। उफ, लगता है मैंने टीना को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं भी क्या करूं। जो भी हो अब मुझे कैसे भी करके टीना को मना नहीं होगा। भैया एक पोमेग्रेनेट जूस और एक डोनट दीजिए। ओके मैम ये लीजिए। थैंक यू भैया। आपका वेट 70। चलो मैंने टीना की फेवरेट खाने की चीज तो ले लिया है, अब लगता है टीना मुझसे और गुस्सा नहीं हो पाएगी। हे गाइस तुम लोगों को पता है टीना कहाँ है? टीना वो तो छुट्टी लेकर घर चली गई। क्या? ओह नो शिट, अब मैं उसे कैसे मनाऊंगी? हाँ क्लास खत्म होने के बाद मैं उसके घर पे जाके माफी मांग लूंगी, ये से ही ठीक रहेगा। हे ब्रो ये क्या तेरे हाथ में इतने सारे कार्ड्स क्यों है? ओ कुछ नहीं। दिखा मुझे। क्लॉब ये सब क्या है? तुम ठीक तो हो ना? दैट मींस टीना ने जो कुछ भी बोली थी वो सही थी। हाँ टीना ने क्या बोला? बहुत कुछ बोली है। तो टीना को ये पता था? हाँ और पता है मैंने उसे कितना डांटा? क्या बेबी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेब वैसे तुम्हें इतने सारे कार्ड्स कैसे लगी? पता नहीं बेबी ये सब कैसे हुआ। उफ, इतनी टेंशन में तो मैं भूल ही गई। ये क्या, ये अभी तक लोड क्यों कर रही है? लगता है सर्विस सेंटर में जाके बात करनी होगी। सो कहाँ जा रही है तू? सर्विस सेंटर में। कोई फायदा नहीं, सर्वर 2 दिन तक डाउन रहेगा। क्या, तो फिर हम अपने सोलमेट की प्रोफेशन के बारे में जानेंगे कैसे? और कोई चारा नहीं है, 2 दिन तक वेट कर ले। सो
गाइस तुम लोगों को पता है टीना कहाँ गई है? मतलब टीना उसके घर पे है ना? नहीं, उसके पेरेंट्स ने कहा कल से वो घर नहीं गई। व्हाट? तो अभी तुम्हें पुलिस को कंप्लेंट करना होगा। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। आई होप कि टीना को कुछ ना हुआ हो। हाँ, चलो। हाँ, क्या है तुम लोगों की? पुलिस अंकल, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। हाँ सर, हमारे फ्रेंड आई मीन टीना वो मिसिंग है। अच्छा, उसका कोई फोटो है तुम लोगों के पास? हाँ, मेरे पास है गाइस, ये लीजिए सर। ओ अच्छा, ये है। अरे तुम लोग कितना परेशान क्यों हो रहे हो? देखो गई होगी, आसपास मेरे पार्टनर के साथ मिलने टाइम पे वापस आ जाएगी। सर आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हमारे फ्रेंड मिसिंग है और आप इसे हल्के में ले रहे हैं? आपको रिपोर्ट लिखना है या नहीं? ओके ओके, काम डाउन। कब से तुम्हारा फ्रेंड मिसिंग है? सर वो ना कल दोपहर। वाह, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। अगर मैं आज ये कदम नहीं उठाती तो वो पुलिस अंकल कभी हमारा रिपोर्ट नहीं लिखवाते। हाँ, तूने सही कहा, मैंने टीवी पे देखा है, वो लोग ऐसे ही करते हैं, रिपोर्ट लिखते ही नहीं है। बेब, तुम अब क्यों कॉल कर रहे हो? मेरी क्लास चल रही है। क्या तुम मेरे घर में एक बार के लिए आ सकते हो? क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, बस तुम्हें एक सरप्राइज देना था। ओके, तो फिर तो मैं आऊंगी। क्या हो रहा है? अजीब है, मैं कितनी देर से बेल बजा रही हूँ, दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। वो क्या घर में नहीं है? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझे कॉल करके थोड़ी बुलाता। टीना, टीना तू यहाँ पे, तू कहाँ थी? हम सब कितने परेशान हो गए थे। मुझे कुछ बोलना है। क्या, और तुझे क्या हुई है? तू ऐसे क्यों बात कर रही है? ये तू क्या कर रही है? व्हाट, खून? तू ठीक तो है ना? ओ नो, तेरे पेट में इतनी सारी खून कैसे लगी? शिट, तुझे तो किसी ने गोली किया है। टीना चल हॉस्पिटल चल, और अपने आंखें खोली रखना। चल, नहीं सर प्लीज, और कुछ ठीक नहीं हो सकता। नहीं, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जा रही है, तू चल। मेरे पास सुन, क्लॉप, क्लॉप को क्या, क्लॉप ठीक तो है ना? क्लॉप बोले सही है वो मर्डरर। क्लॉप, क्लॉप तुम ठीक तो हो ना? देखो ना टीना को क्या हो गई है। मानना पड़ेगा आपकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी, मैं तो आपकी फैन हो गया। मतलब आप ये सब क्या बोल रहे हैं? एक्टिंग, कौन सी एक्टिंग? मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। देखिए ना, मेरी फ्रेंड को किसी ने खून किया है। हाँ, वो तो हमें पता है। पता है, पर आप लोगों को कैसे? चलो जेल चलो और वहाँ पे एक्टिंग करना। नहीं, जेल क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। वो तो जेल में जाने के बाद ही पता चलेगा। चलो सर सुनिए तो। सो ये सब क्या है? रुक, मैं तुझे बेल करवाती हूँ। तू कैसे? ये लीजिए पेपर। मेरी डेड बैरिस्टर, वो तुझे किसी भी तरह बेल करवा देंगे। उन्होंने आज तक एक भी केस नहीं हारा। थैंक यू बेस्टी, बट मुझे जानना होगा कि क्लॉप ने मुझे क्यों फंसाया। क्या क्लॉप? कहीं इन सब के पीछे क्लॉप तो नहीं है? आई डोंट नो। ए, बाहर आओ। मुझे एक बार क्लॉप के घर जाके देखना होगा। क्लॉप, क्लॉप, अरे ये दरवाजा खुला है। क्लॉप, क्या तुम घर पे हो? ये क्या है? ये तो दारू की बोतल है, लेकिन क्लॉप के घर में ये दारू की बोतल क्या कर रहा है? अरे लगता है वहां पे कुछ है। अजीब है, क्लॉप घर में नहीं है और ऊपर से दरवाजा भी खुला है। आखिर इन सब का मतलब क्या है? कहीं क्लॉप डेंजर में तो नहीं है? हाँ, हो भी सकता है। मुझे जल्दी ऐसे बाहर निकलना होगा। ओ नो, इतने सारे लाश और इन लोगों की हालत तो बहुत बदतर है। कितनी गंदी स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों को बहुत दिन पहले ही मार दिया गया हो। ओ नो, तो फिर क्लॉप एक साइको है? दैट मींस मेरी बेस्टी की बात ही सही थी। ओ नो, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ सो, तू अपने आप से क्या बातें कर रही है और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं क्लॉप के घर गई थी। क्या, तो तुझे कोई क्लू मिली? नहीं, वैसा कुछ तो नहीं मिली। क्या यार जल्दी बता। पर मुझे एक भयंकर सीन देखने को मिला। क्या, क्या तू सच कह रही है? हाँ, मैंने अपने आंखों से देखा है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चल पुलिस स्टेशन। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? देख, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लॉप इनोसेंट है, उसे कोई फंसा रहा है। हम ना क्लॉप का मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। आई नो, तो क्लॉप से बहुत प्यार करती है, इसलिए तुझे उसका डार्केस्ट साइड दिखाई नहीं दे रही है। अरे शो क्लॉप, मीट योर न्यू क्लासमेट ब्लैका। व्हाट, ये कैसी अजीब नाम है? गाइस, मुझे तो उसका आग देख के डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो मुझे राख कर देगा। सीरियसली गाइस, कहा तुम लोग उसके बारे में अच्छा बोलोगे, लेकिन तुम लोग तो अब जाओ सेकंड वाले बेंच में जाके बैठो। सो नहीं, उसे यहाँ पे मत बैठने देना। हे तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे बैठो। सो यहाँ पे बैठो। थैंक यू मुझे सीट देने के लिए। व्हाट, तुम इसमें थैंक यू क्यों बोल रहे हो? क्यों, तुम्हें नहीं पता सब मुझसे डरते रहते हैं? पता नहीं क्यों, क्या मैं डरावना दिखता हूँ? आई थिंक तुम्हें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। यू आर लुकिंग हैंडसम। रियली, तुम्हें लगता है? मैंने तो तुम्हें मेरी नाम ही नहीं बताया। हाय, आई एम सोआ। ओह नाइस नेम।
थैंक्स। सोआ, क्या तुम मुझे कॉलेज के आसपास दिखा सकती हो? वो एक्चुअली मैं तो यहाँ पे किसी को नहीं जानता। ओह नो प्रॉब्लम, चलो चलो। और ये जो सीढ़ी है ये छत की तरफ जाती है। थैंक यू सो मच सोआ। मेंशन नॉट। हे ब्लैका। क्लॉब, तुम तो? ओह हाय क्लॉब। तुम दोनों क्या एक दूसरे को जानते हो? या वी आर ब्रदर्स। व्हाट, तुमने तो नहीं बताया कि तुम्हारा एक भाई है। तुमने तो कभी नहीं पूछा था। या हे क्लॉब, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ सोआ बताओ। कल तुम 3:30 बजे के अराउंड कहाँ थे? कहाँ था मतलब, घर पे ही तो था। नहीं, तुम घर पे नहीं थे। मतलब तुम मुझ पे जासूसी कर रहे हो? नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा भी करोगी। नहीं बेब, ऐसा नहीं। प्लीज क्लॉब लिसन। जरूर मेरी इन हरकतों ने क्लॉब को ठेस पहुँचाई, मुझे इसके बारे में पूछना ही नहीं चाहिए था। क्या तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तुम क्लॉब के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता? मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकता हूँ। मतलब? मतलब समझ लो माइंड रीडर, मैंने इसके ऊपर बहुत सालों से रिसर्च किया है, अब जाके मैं सक्सेसफुल हो पाया। वाओ इंटरेस्टिंग। हाँ, मुझे क्लॉब के बारे में जानना था, क्या आप कुछ बता सकते हैं? आई मीन उसका क्या कोई सीक्रेट है? हाँ है एक सीक्रेट, वो एक ही सो, मुझे ना क्लॉब को लेकर तुझसे बात करनी है। मैंने ना अभी क्लॉब को कॉलेज के पीछे वाले गेट से जाते हुए देखा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कुछ तो बस जरूर है। सुन तो। चल लंच करने चलते हैं। नहीं जाना मुझे, तुम लोग जाओ। क्यों, चल ना, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा नहीं जाना मुझे। पता नहीं गई सो को क्या हो गया है, वो थोड़ी अजीब बिहेव कर रही है, किसी के साथ बात ही नहीं करती। और आज तो उसने मेरे ऊपर बहुत जोर से चीखा। मुझे तो लगता है किसी ने उसे बश में कर लिया होगा। क्या, चल हम सब मिलकर उसे बात करने चलते हैं, पता तो चले उसे हुआ क्या है। नहीं तुम लोग जाओ, मुझे सुबह से डर लगने लगी है। हे सुआ, क्या हुआ गाइस, तुम सब एक साथ? तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, मेरी तबीयत को क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले जो सो अजीब बिहेव कर रहा था वो एकदम। हाँ, तूने कुछ कहा क्या? हाँ? नहीं नहीं गाइस, मुझे काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। आई लव यू सो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे भी, आई लव यू टू ब्लैका। क्या हम आज शादी कर सकते हैं? हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तो कब से वेट कर रही हूँ। ओके, तो कुंतला मंदिर में आ जाना और अपनी मॉम डैड को भी साथ ले आना। मॉम आई एम होम। डियर तुम आ गई, देखो तुम्हारी डैड ने तुम्हारे लिए क्या लाए। मॉम डैड, अब लोग जल्दी से रेडी हो जाइए। क्यों डियर, और हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, और वहाँ पे आप दोनों को एक बढ़िया सरप्राइज मिलेगा। क्या सरप्राइज? डियर, ये तुम हमें मंदिर में क्यों ले आए, और तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? अजीब है, इस मंदिर में तो कोई भी नहीं है और ये कितने सुनसान है ना। तो तुम रेडी हो? डियर ये सब क्या है? मॉम डैड, मैं ब्लैका से शादी करना चाहती हूँ, मुझे अपनी सोलमेट मिल चुकी है। क्या, ये लड़का तुम्हारी सोलमेट? चलो रिंग पहनो, तुम्हें मेरा हर बातें मानना होगा तो ही हम शादी कर सकते हैं। पहला, तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा, और दूसरा, मैं जो जो बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानने के लिए राजी हूँ। सोआ नहीं, तुम उससे शादी मत करो। क्लॉब बेटा, ये सब हो क्या रही है, और ये लड़का कौन है, और वो मेरी बेटी के साथ शादी करना क्यों चाहता है? क्योंकि उसे अमर बनना है। क्या, वो ब्लैक मैजिक जानता है, आप लोग चिंता मत कीजिए। चलो रिंग पहनो। सोआ नहीं, कोई बंद करो इसे। ये मैं कहाँ पे हूँ? What? ब्लैका, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ। What nonsense? क्लॉब मेरी सोलमेट है। सो तुम इधर आ जाओ, वो ब्लैक मैजिक करते हैं, तुम उसके बश में थी। नहीं, वो झूठ बोल रहा। हाँ, अब जल्दी आओ। What? ब्लैक मैजिक? That means? Subscribe. भाग?